Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सिखाना शुरू करेंगे क्या? इसलिए हर इल्म में जितनी महारत हासिल कर लोगे, ज़ुहूर इमाम के बाद मालूम होगा कि मकाम इमाम क्या है, इल्म इमाम क्या है। बात वादे हो रही है? ये कुरान, अब किसी ने कहा कि अमीर उमर से कहा यार ये क्या बात है कि आप हर सवाल का फौरन जवाब दे देते हैं, नाम ना कहलवाइए को पहुंच जाएगा। यानी क्या बात है आप हर सवाल का जवाब फौरन दे देते, सोचते क्यों नहीं आप? मौलाना ने कहा तू बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? उसने कहा 5। मौलाना का तूने सोचा क्यों नहीं? क्या सोचने की क्या जरूरत है? हमेशा आंखों के सामने अब मैं बैठे के गिनू 1 2 3 मैं 5 उंगलियां गिनू क्या? हमेशा आंखों के सामने 5 उंगलियां गिनने की क्या जरूरत है? मौलाना का जिस तरह से तेरी आंखों के सामने तेरी 5 उंगलियां है, मुझ अली के सामने पूरी कायनात है। और फरमाया उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम महदूद नहीं है, हम नहीं जानते, हमारी हद इतनी महदूद है कि हम समझ नहीं सकते उलूम अहले बैत क्या है। सादिक मोहम्मद जिस इल्म को लेते थे उसकी वो सब बयान करना शुरू करते थे, लोग सीखना शुरू करते थे, चाहे केमिस्ट्री हो, मुख्तलिफ साइंसेस थी, इल्म जफर जामिया, ये 2 किताबें थी जो आइमा अपने पास रखते थे हमेशा, अमीर उमिनीन अपनी तलवार की नियाम के साथ रखते थे। जब किसी ने छठे इमाम से पूछा ना कहा कि मौला ये मसला क्या है, ये इमाम ने कहा भी बताता हूँ, गए फौरन जफर जामिया लेके आए, कहा इसमें ये लिखा है, वो परेशान हो गया, मौला को किताब में देखने की जरूरत है? तवज्जो, परेशान तो नहीं हो रहे? तो मौला को किताब में देखने का नहीं जरूरत नहीं है। फिर कहा आपने देख के क्यों बताया? कहा मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ, ये दोनों किताबें मेरी दादी जहरा की है। कहा कयामत तक के आने तक के सारे हालात मेरी दादी जहरा ने मेरे जद अली नबी तालिब को लिखवा दिए थे। कहा मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये कभी ताज्जुब ना करना, कहा आने वाले वक्तों के सारे हालात लिखे हुए हैं, तुम ताज्जुब कर रहे हो कि हमें मालूम कैसे, हमारी दादी जहरा भी बता गई तो है ना लोग सारे उलूम। कभी इल्मे माकाना हमारी को ये भी पूरी बहसें हैं कि जो कुछ हो चुका जो कुछ होने वाला, लेकिन उनका इल्म दाती नहीं है, उनका इल्म अल्लाह की तरफ से है। आपने गौर किया अल्लाह का एसेंशियल है, इनका अल्लाह की तरफ से है, इनका इल्म वहबी है, यानी अल्लाह के हिबा किया हुआ है, अल्लाह का गिफ्टेड है, समझे ना लोग, यानी जिसे इल्मे लदुन्नी कहते हैं, इसकी वजाहत नहीं जा सकता कि लोहे महफूज क्या है, इमाम मासूम कैसे गहवारे के अंदर लोहे महफूज का मुताला करता है, कैसे सब कुछ देखता है, ये हम हमारी समझ से बहुत बालातर चीजें हैं, हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कैसे हो सकते हैं गहवारे के अंदर बच्चा है। जब इमाम नहुम से पूछा था, नवे इमाम से पूछा, कहा 9 बरस की उम्र में इमाम कैसे हो सकते हैं, हुज्जत खुदा कैसे? इमाम ने कहा तू कुरान को मानता है? कहा कुरान को तो मानता, मैं मुसलमान हूँ। इमाम ने कहा तूने ये कुरान की आयत पढ़ी है, वह आते ना हुक्मन सबिया, हमने बचपने के अंदर यहिया को नबी बना दिया था, ईसा को गहवारे में कलाम करा दिया था। कहा सब मानता हूँ। कहा जब नबी बना सकता है तो इमाम क्यों नहीं बना सकता? जब उसने नबी बना दिया तो इमाम क्यों नहीं बना सकता? अल्लाह की कुदरत है, जिसको चाहे इमामत दे, जिसको चाहे नबूवत दे, जिसको चाहे रिसालत दे, ये उसका ओहदा है, तुम्हारे से मुताल्लिक नहीं है। कभी ताज्जुब मत कीजिए उलूम अहले बैत पे, कभी ताज्जुब मत करें कि ये इमाम का ऐसे मकाम कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं ताज्जुब ना करें। यहां तक इमाम मासूम फरमाते हैं कि कभी ये मत कहो कि ये कैसे हो सकता है, ये कहो कि हमें समझ में नहीं आता, हमारी समझ से बाहर आता। इमाम के मकाम पे शक ना करना, इल्म पे, मकाम पे, मकाम इस्मत पे, मकाम तकदीर पे उनके शक ना करना, बल्कि सोचो कि उनका मकाम बहुत बाला तर है, हमारी समझ से बाला तर है।